मंदना ने अली पर लगाया घिनौना आरोप, कंगना ने किया अली का बचाव। रियलिटी शो लॉकअप में जजमेंट डे के मौके पर शो की होस्ट कंगना की मौजूदगी में अली को सभी कैदियों ने मिलकर लॉकअप का कचरा बताया और उसके बाद कंगना ने अली को फटकार लगाई। उसी दरमियान मंदना ने बड़ा खुलासा किया और ये बताया कि अली को उन्होंने कचरा इसलिए बताया है कि अली ने जेल में गंदी हरकत की थी और वो उसे कैमरे पर सबके सामने नहीं बता सकती हैं। जिसके बाद कंगना ने मंदना को जोर देकर पूछा कि आपको बताना चाहिए कि अली ने ऐसी कौन सी हरकत की है जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था, अगर आप नहीं बताएंगी तो ये और ज़्यादा गलत लगेगा। तब मंदना ने बताया कि वो शाइशा के साथ जब बाथरूम में गई थी तब उन्हें वहाँ स्पर्म स्टेन दिखाई दिया था और अली कुछ समय पहले ही बाथरूम से निकले थे। तो मंदना का मानना है कि अली ने ही बाथरूम में गंदी हरकत की थी। जिसके बाद कंगना ने मंदना को ये समझाया कि जिस तरह का आरोप तुम अली पर लगा रही हो वो काफ़ी घिनौना आरोप है, लेकिन इसके लिए अली को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है क्योंकि आपने उस समय अली को वहाँ नहीं देखा था और तुम्हारे मन में सिर्फ शंका है कि अली ने ही वो हरकत की है, और सिर्फ शंका के लिए किसी को दोष ही नहीं ठहराया जा सकता। और वो बॉडी फ्लूइड था जो बाथरूम में दिखना स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से तुमने अली पर आरोप लगाया वो काफ़ी गलत है। और उसके बाद कंगना ने जेल में मौजूद सभी कैदियों को सलाह दी कि बाथरूम को साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है, और जिस तरह से कंगना ने इस मुद्दे को संभाला वो वाकई काबिले तारीफ था। अगर कंगना इस मुद्दे को नहीं संभालती तो वाकई अली की बदनामी हो सकती थी। इतना ही नहीं, कंगना ने मंदना को भी ये समझाया कि तुम्हें आरोप लगाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जो आरोप तुम दूसरे पर लगाने जा रही हो वो किसी के चरित्र को दागदार बना सकता है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।